हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपके साथ बीए सेकंड ईयर के समाजशास्त्र का 7th चैप्टर, जिसका नाम है शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाएं, उसके साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे का शरीर मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। जब किसी अकेले व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वैयक्तिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के साधन क्या है? शिक्षण संस्थाएं। विशिष्ट शिक्षा के साथ के रूप कौन से है? उपर्युक्त सभी। शिक्षा की सहायक संस्थाएं क्या क्या है? उपर्युक्त सभी। आदिम समाजों में शिक्षा अनौपचारिक रूप से प्रदान की जाती थी? उपर्युक्त सभी में। जब बिना किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के शिक्षा दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक शिक्षा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त प्रदान किया जाता है? उपर्युक्त सभी में। शिक्षा मानव के नैतिक गुणों का विकास करती है? उपर्युक्त सभी का। सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा की भूमिका क्या है? उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की कौन सी भूमिका नहीं है? सामाजिक विघटन। सांस्कृतिक विरासत एवं जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? बोगार्डस का। ज्ञान के संचित कोष कहे जाते हैं क्या? पुस्तकालय। शिक्षा संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? दुर्खीम का। शिक्षा अधिक आयु के लोगों द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है, दुर्खीम का कथन है ये। पुस्तक सोशियोलॉजी सिरोसिस के लेखक कौन है? क्यूबर है। या किसने कहा है कि शारीरिक विकास के लिए जो बहुत तो भोजन कहा है वही सामाजिक समृद्धि के लिए शिक्षा कहा है, ये किसने कहा है? जॉन डीबी ने। तो ये था हमारा 7th चैप्टर। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।